कुरान करीम में जिसको तज़किया कहा गया, हदीस में जिसको एहसान कहा गया, उसी को आज तसव्वुफ कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं तसव्वुफ बिदअत है, बहरहाल उनका मामला अलग है, लेकिन तसव्वुफ वही चीज़ है जो एहसान है, तसव्वुफ वही चीज़ है कि जो तज़किया है, तसव्वुफ वही चीज़ है जो बैत है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं बैत कुछ नहीं है, कुरान करीम में तो बैत का बयान मौजूद है, ए नबी आपके पास औरतें आएंगी बैत करने के लिए, बैत का लफ्ज वहां मौजूद है, इन्नल्लज़ीन युबायूनका, जिन्होंने आपके साथ बैत की है, इन्मा युबायूनल्लाह, उन्होंने अल्लाह के साथ बैत की है। साहबा में से एक साहबी का नाम है हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह बजली रजी अल्लाह तआला अन्हु, जरीर इब्न अब्दुल्लाह बजली रजी अल्लाह तआला अन्हु आखिर जमाने में उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, यानी आप अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत होने वाले थे और शायद दो महीने उन्हें कुल गुजारे हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के साथ ईमान की हालत में। जरीर, तो जरीर अब्दुल्लाह बजरी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं आपके हाथ पर बैत करूंगा। आपने फरमाया किस चीज का? उसके लिए शर्त है। चला जब आपने आपने उनको शर्त लगाई कि नमाज की पाबंदी करोगे, जकात की अदायगी करोगे और हर मुसलमान के साथ खैरखाई करोगे, इस शर्त के साथ मैं तुमको बैत करता हूं। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हम हाजिर थे बैत अकबा में, और बैत अकबा के वाक़ा हुआ है मक्का मुकरमा में। उसके बाद फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बायूनी, तुम बैत करो इस बात पर, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, तो बैत का तो मजबूत। जो लोग ये समझते हैं कि बैत करना बिदअत है, उनका रास्ता अलग है। बैत हक है, कुरान में बैत मौजूद है, बैत इस्लाम भी है, बैत जिहाद भी है, बैत इरशाद भी है, बैत तज़किया भी है। बैत एक किस्म की बैत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में बैत होती थी नबी के अर्ज़ात अक़दस पर, सहाबा के अंदर बैतें की हैं, खिलाफत की बैत, बैत इरशाद, तो बैत इरशाद वो जरीर अब्दुल्लाह बजरी रज़ी अल्लाह अन्हु बैत इरशाद ही की थी, वही बैत का सिलसिला चलता रहा और हमारे अकाबरीन के तवस्सुत से हम तक पहुँचा। जब हम में से कोई किसी बुजुर्ग से बैत हो जाए तो वो बुजुर्ग किसी और से बैत हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से हदीस चली और चलते चलते हम तक पहुंची है, पूरा सिलसिला कायम है, इस पर कहीं बीच में इनकता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब ये कहते हैं हमने हदीस पढ़ी, हम कहते हैं हमने हदीस फलां से पढ़ी, उसने फलाने से पढ़ी, उसने फलाने से पढ़ी, होते होते शावरीउल्लाह तक, फिर शावरीउल्लाह से वो सनद पहुंचाते हैं इमाम बुखारी तक, और इमाम बुखारी से फिर पहुंची है जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। बस ठीक इसी तरह से हमारे बैत का सिलसिला जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बैत की सिद्दीक अकबर ने, सिद्दीक अकबर जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए, सिद्दीक अकबर इमाम मुस्लिमीन है, वो इमाम दुनिया भी हैं, इमाम दीन भी हैं, इमाम रूहानियत भी हैं, इमाम जिस्मानियत भी हैं। उनसे बैत हुई उमर इब्न खत्ताब की, उमर इब्न खत्ताब से बैत की उस्मान गनी ने, उस्मान गनी से बैत की हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बैत की हज़रत हसन बसरी ने, और हज़रत हसन बसरी से बैत का सिलसिला फिर आगे चला और आगे चल करके फिर हम तक पहुँचा। फिर आगे उसके सिलसिले बने, सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले कादरिया, सिलसिले नक्शबंदिया, सिलसिले सोहरवर्दिया, ये चार सिलसिले तो यहाँ बरसग़ीर में हैं, इसके अलावा बाकी दुनिया में और भी सिलसिले कायम हैं और मौजूद हैं। जैसे हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह तआला उनका अलग सिलसिला था सिलसिले उवैसिया। ये बैत और बैत से फायदा उठाना इतना अहम मामला है कि हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह तआला हनफी थे, वो शाफी नहीं थे, लेकिन जिस बुजुर्ग के साथ उन्होंने बैत की थी वो शाफी थे, और हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह तआला ये समझ रहे हैं कि जैसी रूहानी तरक्की मुझे होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, शायद वजह यह है कि मेरे और मेरे पीर का मसलक एक नहीं, मसलक का फर्क है, शायद ये मसलक के फर्क की वजह से मुझे फायदा नहीं हो रहा है, लिहाजा मैं अपने पीर के मसलक को इख्तियार करता हूँ, हनफिया छोड़ दी और शाफी बन गए। वो अपने रूहानी तरबियत के गरज से बने थे। जैसे हमारे बुजुर्गों में से हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की नवर अल्लाह बरकतहू थे, उनकी खिदमत में एक बुजुर्ग पहुंचे हैं जो बैत हुए उनसे, हजरत मौलाना सादिकुल यकीन, मक्का मुकरमा में हज़रत हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह तआला के पास उन्होंने वक्त गुजारा। काफी दिनों बाद हाजी साहब ने फरमाया मौली सादिकुल यकीन, हमने भी पूरी कोशिश की, तुमने भी कोई कमी नहीं रखी, मगर जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो तुम एक काम करो, तुम मौलाना रशीद गंगोही के पास जाओ। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह तआला हज़रत हाजी अब्दुल्लाह के मुरीद हैं। चुनाचे हज़रत मौलाना सादिकुल यकीन मक्का मुकरमा से निकले और पहुंचे हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह तआला के पास कि हज़रत मुझे आपके पीर ने भेजा और आपके पास भेजा। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया ठीक है। उसके बाद फरमाया आप दो काम करेंगे, नंबर एक आप हदीस नहीं पढ़ाएंगे, नंबर दो आप किसी हकीम किसी बीमार का इलाज नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर आमाल शुरू कर दिए,
چند دن گزر گئے, مولانا صادق الیقین رحمہ اللہ تعالیٰ کی حالت ٹھیک ہو گئی اور بالکل فٹ. اس کے بعد پھر جب وہ واپس مکہ مکرمہ گئے تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھا, اتنے خوش ہو گئے کیا چیز بن کر کے آ گئے. اب سوال یہ ہے کہ حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نہیں بن پائے تو حضرت گنگوہی کے ہاں کیسے بن گئے؟ تو جواب اس کا کہ وہاں وہ دو کام کرتے تھے, ایک حدیث پڑھانے کا کام اور ایک بیماروں کو نسخے لکھنے کا کام. تو وہ جو اعمال کرتے تھے ذہن ان دو کاموں کی طرف اٹکا رہتا تھا, اس وجہ سے ان اعمال کا اثر نہیں ہو رہا تھا. اور حاجی امداد اللہ ان دونوں کاموں کو روک نہیں سکتے تھے. کیوں نہیں روک سکتے تھے؟ حدیث پڑھانا تو دین کا کام ہے, اس کو کیسے روک دیتے وہ؟ اور بیماروں کا علاج کرنا تو خدمت خلق, اس کو کیسے روک دیتے؟ اب جب وہ وہاں سے آئے ہیں گنگو میں, حضرت مولانا رشید گنگوہی نے فرمایا تمہیں حدیث پڑھانے کی اجازت نہیں, حدیث تو ہم خود پڑھا رہے ہیں, اس لیے ان کو حق تھا ان کو روک دینے کا, کیونکہ ہم حدیث پڑھا رہے ہیں خود, تو اب تم حدیث نہیں پڑھاؤ گے. اور رہا تم بیماروں کا علاج کرتے ہو, اس کی بھی تمہیں ضرورت ہے, ہم خود حکیم بھی ہیں. تو یہ خود حکیم بھی تھے اور محدث بھی تھے, اس لیے وہ دونوں کام چھوڑا دیے. اب جب دونوں کام چھوڑا دیے, چھوڑانے کے بعد پھر جب معاملہ شروع کر دیے تو چند دنوں میں ان کی روحانیت عروج پر آ گئی. اس کے بعد معمولات کے نتیجے میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ روحانی تربیت کی غرض سے حنفیہ چھوڑ کر شافی بنے تھے, جب یہاں کشمیر تشریف لائے ہیں تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ شافی بنے, اسی لیے وہ رفع دین کرتے تھے, کہیں چھپ کر کے کرتے تھے. اور جہاں جو لوگ مسلمان ہوتے گئے ان کو کہتے گئے مسلمان ہوتے گئے اور حنفی بنتے گئے. بڑی دلچسپ بات ہے یہ کہ کشمیر کے سارے حنفی شافی کے ذریعے سے حنفی بنے, یعنی شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے. تو شاہ ہمدان شافی بنے تھے صرف اپنی روحانی تربیت کی غرض سے, ورنہ یہ نہیں تھا کہ حنفیت میں ان کو کوئی نقص نظر آ گیا تو وہ شافی بن گئے. تو میرے بھائی, خانقاہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھنا چاہیے. جس نے بیعت کا تعلق قائم کیا ہو, جو معمولات بتائے گئے ہوں ان معمولات کو بہت پابندی سے کرنا چاہیے, اور اس کے بعد پھر اپنے حالات بھی سنانے چاہیے, اور یہ بھی دیکھنا چاہیے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں, خرابیاں دور ہو رہی ہیں یا نہیں. اپنی ساری خرابیاں, بعض دفعہ انسان اچھے اچھے خواب دیکھتا ہے, وہ خواب تو سنانے میں بڑا شوق آتا ہے لیکن اپنی کمیاں نہیں بتاتے, تو اپنی کمیاں بھی بتانی چاہیے, اپنی خامیاں بھی بتانی چاہیے. معمولات میں عام ترین چیز ہوتی ہے تلاوت, تو تلاوت کی خوب پابندی کرنی چاہیے. اس